लौंग के ये उपाय बदल देंगे आपकी किस्मत और ऐसे आजमाएं इन उपायों को। जी हाँ भाइयों और बहनों, यदि आप जानना चाहते हैं कि कैसे, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। हमारे सत्य सनातन धर्म में लौंग को बहुत पवित्र माना गया है। पूजा पाठ इत्यादि में लौंग का विशेष महत्व है। लौंग का प्रयोग स्वास्थ्य और स्वाद के लिए फायदेमंद होने के साथ साथ यह ज्योतिषीय उपाय में भी कारगर माना गया है। लौंग का प्रयोग पूजा के अलावा तंत्र मंत्र में भी किया जाता है, क्योंकि इसे ऊर्जा का वाहक माना गया है। अपनी किस्मत को बदलने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए अगर आप भी चाहें तो लौंग के प्रचलित टोटके और उपाय आजमा सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि इन उपायों का कोई वैज्ञानिक आधार तो है नहीं, लेकिन ये वे उपाय हैं जिन्हें लोग पारंपरिक रूप से आजमाते आ रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पहला उपाय, घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ना हो सके। इसके लिए आप लौंग का आसान उपाय आजमा सकते हैं। शनिवार या रविवार की शाम को 5 लौंग, 3 कपूर और 3 बड़ी इलायची लेकर उसे जला लें। जब इनमें अग्नि की लपटें उठने लगे तो इसे सभी कमरों में घुमाएं। इसे पूरी तरह जल जाने के पश्चात इसकी राख को घर के मुख्य द्वार पर फैला दें। चाहे तो राख को जल में मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर छींटे भी मार सकते हैं। इससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और घर का मुख्य द्वार सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा। दूसरा उपाय, राहु केतु दोष से मुक्ति के लिए। जिन लोगों की कुंडली में राहु और केतु की स्थिति अनुकूल नहीं है और इनकी दशा में परेशानी हो रही है, उन्हें शनिवार के दिन लौंग का दान करना चाहिए। यदि कोई दान ना लेना चाहे तो इसे शिवलिंग पर अर्पित कर देना चाहिए। 40 शनिवार तक इस उपाय को करने से राहु और केतु का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तीसरा उपाय, घर में खुशहाली और आनंद के लिए आप लौंग का पौधा भी लगा सकते हैं। लौंग की कुछ कलियां साथ में रखने से भी आपको काफी फायदा होगा। चौथा उपाय, अगर किसी ने आपसे उधार लिया है और लौटाने में आनाकानी कर रहा है तो उससे विवाद करने के बजाय लौंग के कुछ सामान्य से उपाय कर सकते हैं, जिससे आपका धन वापस मिल जाएगा। अमावस्या या पूर्णिमा के दिन रात में कपूर जलाकर लौंग से माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए हवन करें। माता से प्रार्थना करें कि आपका दिया हुआ धन वापस मिल जाए। पांचवा उपाय, अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या किसी जरूरी काम से जा रहे हैं तो घर से निकलते समय 2 लौंग मुंह में रख लें। जहां इंटरव्यू देने गए हैं वहां लौंग के अवशेष को मुंह से फेंक दें और अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए इंटरव्यू के लिए जाएं। तंत्र शास्त्र के अनुसार इस उपाय से कार्य में सफलता मिलती है। छठा उपाय, मेहनत करने के बाद भी अगर आपको उसका फल नहीं मिल रहा है या फिर आर्थिक स्थिति आपको लगातार परेशान कर रही है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं, फिर उस दीपक में 2 लौंग डाल दें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ समाप्त होने के बाद हनुमान जी से अपनी समस्या बताएं। मंगलवार के दिन इस उपाय को करने के साथ कार्य क्षेत्र में ईमानदारी पूर्वक प्रयास करने से आपकी परेशानी दूर हो सकती है। सातवां उपाय, माता लक्ष्मी की पूजा करते समय हर दिन गुलाब के फूलों के साथ लौंग की 2 कलियां भी माता लक्ष्मी को भेंट करें। यदि हर दिन ऐसा नहीं कर पाए तो शुक्रवार के दिन इस उपाय को जरूर करना चाहिए। इसके अलावा 5 लौंग की कलियां 5 कोड़ियों के साथ लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या फिर किसी अलमारी में रख दें। तंत्र शास्त्र के अनुसार इससे घर में बरकत आती है। आठवां उपाय, अगर आप बहुत मेहनत के बाद भी अपने कामों में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो 1 नींबू के ऊपर 4 लौंग लगा दें और ओम श्री हनुमते नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करके उस नींबू को अपने स्थान तक लेकर जाएं। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। नवा उपाय, अगर आपका मन बहुत अशांत रहता है और किसी काम में अगर आपका मन नहीं लगता है तो आप 1 कपूर और 1 फूल वाली लौंग को जलाकर 3 दिन में 1 बार खा लें। इससे आपका मन शांत हो जाएगा और आपको असीम प्रसन्नता होगी। दसवां उपाय, शनिवार की रात को कभी भी 10 बजे के बाद आप 7 साबुत फूल वाली लौंग ले लें।
अपने बाएं हाथ में 7 लौंग रखकर अपने शत्रु का नाम बोलते रहें और हर बार बोलने के बाद जिस मुट्ठी में लौंग रखे हैं उस पर फूंक मारें। ऐसा आपको 21 बार करना है। अब अगले दिन यानी रविवार को उस लौंग को आग में जला दें और इस प्रक्रिया को फिर अगले शनिवार करें। कम से कम इसे 3 शनिवार तक दोहराएं और ज्यादा से ज्यादा 7 शनिवार तक इन उपायों को करें। आपका शत्रु कितना भी बड़ा हो, कितना भी ज्यादा शक्तिशाली हो, वह शांत हो जाएगा। यदि वह आपसे जलता है तो जलना बंद कर देगा। हम आशा करते हैं कि आप इन टोटकों को अमल में लाएंगे और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे। इसी तरह के चमत्कारी और शक्तिशाली उपायों को जानने के लिए देखते रहिए आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स। यदि अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ओम नमः शिवाय।